नमस्कार। कंप्यूटर, जी हाँ, इसी पाठ को हम पढ़ रहे हैं। और अपनी पिछली कक्षा में हम सभी ने कंप्यूटर से फ्रेंडशिप की थी, दोस्ती की थी, और तब कंप्यूटर ने हम सभी को अपने बारे में बताया था कि किस प्रकार 1944 में हार्वर्ड आइकन ने कंप्यूटर का आविष्कार किया। और उसमें कंप्यूटर के द्वारा हमें यह भी पता चला था कि उसके विभिन्न अंग होते हैं, जिनके नाम मॉनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू, माउस आदि हैं। और हमने जाना था कि जिस प्रकार हमारे शरीर के सभी अंग मिलकर एक साथ काम करते हैं, उसी प्रकार कंप्यूटर के भी सारे अंग मिलकर एक साथ काम करते हैं। कंप्यूटर के द्वारा हमारे अनेक काम आसानी से पूरे हो जाते हैं। टीवी के आकार वाले अपने अंग, जिसे मॉनिटर कहा जाता है, इसमें एक स्क्रीन होता है, जैसा कि आपको अपनी स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है। तो यह जो है माउस या कीबोर्ड द्वारा दिए गए प्रत्येक आदेश को साफ साफ दिखाता है, ठीक है। इस पर जो ये स्क्रीन है, इस पर आप आसानी से गेम खेल सकते हैं और चित्र भी बना सकते हैं, यहाँ तक कि अपने मित्रों, दोस्तों आदि के फोटो भी देख सकते हैं। और फिर बात आती है इसके दूसरे अंग। कंप्यूटर बताता है कि आप मेरे इस खुरदुरे अंग को पहचानो। खुरदुरा अर्थात ऊंचा नीचा। इसमें बहुत सारे गहने होते हैं, जिन्हें बटन कहते हैं, और इसका नाम है कीबोर्ड। इसका नाम है कीबोर्ड। मेरे बटन पर अक्षर या चिन्ह लिखा होता है, जिसको दबाने से मॉनिटर के स्क्रीन पर वह दिखने लगता है। इसके द्वारा आप आसानी से टाइप भी कर सकते हैं। टाइप करना किसे कहते हैं? अरे वही जो आप टाइप करके हमें संदेश भेजते हो, लिखते हो कंप्यूटर पर, अपने मोबाइल पर, वही तो टाइप है। अब बारी आती है इसके अगले भाग की, जिसका नाम है सीपीयू। कंप्यूटर कहता है सीपीयू तो मेरा हृदय और मस्तिष्क है। इसका पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, पर सीपीयू कहना आसान है। यह ना हो तो मैं बेकार हो जाऊं। अर्थात अगर सीपीयू ना हो तो कंप्यूटर का अस्तित्व ही ना हो। यह मेरा मस्तिष्क है, जिस मस्तिष्क मतलब दिमाग, कि जिस प्रकार से आप अपने मस्तिष्क से सोचते हैं, उसी प्रकार सीपीयू भी सोचता है। कीबोर्ड या माउस की मदद से आप जो कमांड देते हैं, जो काम करना चाहते हैं, वह पहले सीपीयू में ही जाता है, और फिर सीपीयू जब काम करता है, अर्थात आपके कंप्यूटर का दिमाग जब काम करता है, तो जो आप चाहते हैं वह स्क्रीन पर दिखाई देने लगता है। तो समझ आया आपको सीपीयू का क्या काम है और सीपीयू कितना महत्वपूर्ण है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने चूहा देखा है?
इस प्रकार फुर्ती से वह इधर उधर फुदकता सा दिखाई देता है, कभी यहाँ कभी वहाँ। तो जिस तरह से चूहा फुर्ती से इधर उधर फुदकता है, उसी प्रकार माउस का पॉइंटर भी स्क्रीन पर यहाँ से वहाँ घूमता है। यह माउस इतना छोटा होता है कि यह आपकी मुट्ठी में आ जाएगा, और इसके मुट्ठी में आने पर क्या होगा, सारी दुनिया आपकी मुट्ठी में होगी। और अब आप इस माउस की वजह से, इसकी मदद से अपने काम को और भी सरल बना सकते हैं। जिस प्रकार आप मुझे पसंद करते हैं, उसी प्रकार मैं भी आपको पसंद करता हूँ। कंप्यूटर कहता है कि मुझे भी आपकी मदद करना अच्छा लगता है। कंप्यूटर बताता है कि मैं आपका जोड़ घटा गुणा भाग, जोड़ मतलब प्लस के, घटा माइनस, गुणा मल्टीप्लिकेशन, और भाग डिवाइड। इस तरह के जो आप सम्स करते हैं, जो सवाल करते हैं, उन्हें इस कंप्यूटर द्वारा आसानी से बहुत जल्दी किया जा सकता है। आपके शिक्षक की तरह मैं भी आपको शिक्षा दे सकता हूँ। आपके मम्मी पापा के खाते का हिसाब बैंक में मैं ही रखता हूँ। अब देखिए कंप्यूटर के कितने काम हैं। नाना नानी के घर जाने के लिए ट्रेन या हवाई जहाज की टिकट बुकिंग मैं ही करता हूँ। ये मैं कौन है? सही पहचाना, मैं अर्थात कंप्यूटर। और जब इस कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ दिया जाता है, अर्थात मुझे आप इंटरनेट से जोड़ देते हैं, तो मेरा उपयोग और भी बढ़ जाता है। यानी अगर कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ दो तो आप और ज़्यादा काम कर सकते हैं। इसके कारण दैनिक जीवन में मेरी ज़रूरत और भी बढ़ गई है। इंटरनेट से आप किसी भी प्रकार की जानकारी, कुछ ही क्षण में प्राप्त कर सकते हैं। फिर चाहे वह मौसम की सूचनाएं हों, बैंकिंग या मार्केटिंग का हाल, रेलवे या हवाई यात्रा की टिकटें, या सिनेमा हॉल की टिकटें बुक करा सकते हैं। समझ आया आपको कि इंटरनेट से जोड़ने पर आप कहीं की भी जानकारी कहीं पर भी भेज सकते हैं, मंगा सकते हैं, और वो भी कुछ ही समय में, कुछ ही क्षणों में। आप संसार के किसी भी कोने में रह रहे हो, खेल की जानकारी आपको प्राप्त करनी हो, आप सब कुछ इंटरनेट के माध्यम से, कंप्यूटर से जान सकते हैं। इसलिए कंप्यूटर कहता है कि मुझे अपना दोस्त मानो, तो मैं आपके लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ। अब आप देखिए कि अगर आप अपनी कक्षा में स्मार्ट क्लासेस में पढ़ते हैं, तो आप इंटरनेट से जोड़कर आवश्यक सामग्री को प्राप्त कर सकते हैं। आप बुक्स पढ़ सकते हैं, आप अपनी अपना पुस्तकालय, अपनी लाइब्रेरी अपने कंप्यूटर में ही बना सकते हैं। और अभी बहुत सारे काम मैंने आपको गिनवाए, जैसे मौसम की जानकारी, बैंकिंग, मार्केटिंग, यात्रा टिकट बुक कराना हो, या आप कहीं बाहर जा रहे हैं वहाँ से आपको रास्ता पता करना हो, या फिर आपको
कोई मैसेज भेजना हो, पढ़ाई करनी हो, सम्स करने हो, ड्राइंग करनी हो, गेम खेलना हो, या गेम के बाद किसी भी खेल के बारे में जानकारी प्राप्त करनी हो, सभी काम आप बड़ी आसानी से कंप्यूटर के माध्यम से कर सकते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। आपने कंप्यूटर के विषय में जानकारी प्राप्त की। धन्यवाद।